नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूँ किलपेस्ट इंडिया के ऊपर, जो कि बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन आज कई महीने से ये स्टॉक पूरा डाउन चल रहा है और एक ऐसी पोजीशन पे। देखिए, अगर मैं इसकी बाउंड बिग हाई की बात करूँ तो बाउंड बिग हाई देखिए 767 अभी इसने रिसेंट बनाया था ये बाउंड बिग हाई, और फिर से वहाँ से एक करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिली थी। अगर यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है तो रिटर्न थोड़ा सा कम है, लेकिन आप अगर इसके लंबे रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही मल्टी बैगर और सॉलिड रिटर्न है। ठीक है, थोड़ा मैंने आपको बोला कई महीनों से, देखिए साल बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, साल तो इतना नहीं है, लेकिन कई महीनों से ये स्टॉक एकदम ढीला चल रहा है। ठीक है, एक नॉर्मली और बीच में इतनी भयंकर तेज़ी आई थी इस स्टॉक में, लेकिन फिर वहाँ से करेक्शन देखने को मिला। और इसका अगर बाउंड बिग लो की बात करें हम तो 286 का बाउंड बिग लो है। देखिए, ये स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है, लगभग 331 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की ये कंपनी है। देखिए, लगभग इसकी में शेयर होल्डर्स देख लें 16.3K शेयर होल्डर्स हैं। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तेज़ी इस स्टॉक में, आप यहाँ पे देखिए लगभग 4.05% का यहाँ पे इसका रिटर्न अभी आज का करेंट है। और इसका देखिए मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको एक चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त समझ में आएगा, क्योंकि जो चार्ट है इसका ना, आप बस खाली चार्ट देखेंगे तो आपको एक अच्छा नज़रिया मिलेगा चार्ट के ज़रिए। देखिए, मैंने वन डे का चार्ट लगाया, एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं अगर वीकली चार्ट लगाऊं तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि ये अपने सपोर्ट लेवल के ही आसपास ट्रेड कर रहा है। आप समझ गए ना, समझ गए ना, यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि सपोर्ट लेवल के ही आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जो कि यहाँ से तेज़ी आपको 100% देखने को मिलेगी। देखिए, मैं ये इस चीज़ की गारंटी तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको मैं ये इतना डेफिनेटली बता सकता हूँ कि यहाँ से 100% भागने की तैयारी है। ठीक है ना, मैं अगर यहाँ पे 100% को अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग 99.9% भागने की तैयारी में है। केवल 1% ये इसी में बॉक्स ट्रेडिंग कर सकता है ये। ठीक है, तो आप अपनी नज़र यहाँ इस स्टॉक पे बिठा के रखिए, फ्यूचर में आपको एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएशन क्रिएट करने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो लगभग मैं अगर यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करूँ तो लगभग 350 रुपये या 350 रुपये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कितना? 350 रुपये डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर यहाँ मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए इस स्टॉक में कितनी भयंकर रैली बनी थी। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा छोटा करूँ तो आपको और भी अच्छे से देखने को मिलेगा। देखिए, इस स्टॉक में कितनी भयंकर रैली बनी हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन फिर आप टेंशन ना लीजिए, मैं तो बोलता हूँ कि एक बार फिर से और भी भारी तेज़ी बनेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, मैं इस स्टॉक को कैंडल को अगर छोटा करूँ तो यहाँ पे आप देखिए इतनी भयंकर तेज़ी यहाँ पे बनी थी, फिर वहाँ से करेक्शन हुआ, बॉक्स ट्रेडिंग हुआ। आप देखें जो इसका एक सपोर्ट का लेवल यहाँ पे था, मैंने मंथली चार्ट लगाया है, ये ध्यान दीजिए, ये जो सपोर्ट का लेवल था यहाँ पे ही, इसके ऊपर ही इसने सपोर्ट लिया। जैसे यहाँ पे इसका जो सपोर्ट का लेवल है उसके ऊपर ही ये सपोर्ट ले रहा है ना, और यहाँ पे देखिए एक बार हुआ था तो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। तो कोई भी स्टॉक अपने जो फ्यूचर में उसके साथ हुआ है, लगभग अगर मल्टी बैगर स्टॉक है तो वैसे ही ये दोहराता है। तो आपके हाथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लगभग 350 रुपये के करीब आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात कर लें तो लगभग 45% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो आपको ज़रूर माल उठाना चाहिए। मेरे को तो लगता नहीं है कि इसमें कोई वो है कि आपको माल नहीं उठाना चाहिए, माल उठा के थोड़ा वेट करना चाहिए। और आप अगर माल उठाएं तो अगर आप धीरे धीरे करके माल उठाएंगे तो और भी मज़ा आएगा माल उठाने में। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।